क्रिएटिव कॉन्फिडेंस बाय टॉम एंड डेविड केली। बहुत से लोगों को लगता है क्रिएटिविटी सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है और उसका इस्तेमाल हर काम में नहीं किया जा सकता। उन्हें लगता है कि वे चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, वे ज्यादा क्रिएटिव नहीं बन सकते, क्योंकि ये एक पैदाइशी हुनर है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम सभी के अंदर क्रिएटिविटी होती है और हम किस तरह से उस छिपी हुई क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं। ये किताब हमें दुनिया को एक नई नज़र से देखना सिखाती है, जिससे हम अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें और अपनी ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा मज़ेदार बना सकें। इसे पढ़कर आप सीखेंगे आप अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह से निखार सकते हैं, कामयाब होने के लिए गलतियाँ करना ज़रूरी क्यों है और दूसरों के साथ काम करने का क्या फ़ायदा होता है। पहला सबक, कुछ नया सोचकर कुछ नया बना पाना ही क्रिएटिविटी है। बहुत से लोगों को लगता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ पेंटिंग, मूर्ति या फिर आर्ट में ही उभर कर सामने आ सकती है। ये बात अधूरी है, क्योंकि क्रिएटिविटी सिर्फ इन चीज़ों तक सीमित नहीं है। जब भी आप कुछ नया बनाकर दिखाते हैं, आप क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। अब वो चाहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जो एक एप्लीकेशन का बेहतर इंटरफेस बना दे, कोई शेफ हो जो एक नया खाना बना दे, या फिर कोई बिजनेसमैन हो जो बिजनेस का एक नया तरीका बना देता है, ये सभी लोग क्रिएटिव कहे जाएंगे। हम सभी के अंदर ये क्रिएटिविटी मौजूद है। जब हम छोटे थे तो हम सभी अलग अलग तरह की बातों की कल्पना करते थे। हम अपने हाथ से पेंटिंग करते थे और लकड़ी को तलवार समझकर खेलते थे। हमारा सामना जिस भी समस्या से होता था, हम उसका समाधान खोजने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समाज हमारे दिमाग में ये बात डालने लगता है कि कल्पना की जिंदगी में जीना अच्छी बात नहीं है, कि गलतियां बेवकूफ लोग करते हैं। ये सब बातें सुनकर हम नए काम करना छोड़ देते हैं और जो सब लोग कर रहे होते हैं उसे ही करने लगते हैं, जिससे हम कुछ सोचते नहीं हैं और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी को जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप उतने ज्यादा क्रिएटिव होते जाएंगे। अगर आपने काफी समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो कुछ कोशिश करने के बाद आप फिर से इस ताकत को पहले से मजबूत बना सकते हैं। दूसरा सबक, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल हर तरह के काम में किया जा सकता है। बहुत से लोगों को लगता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ पेंटिंग तक या फिर गानों तक ही सीमित है। उन्हें लगता है कि अगर वे एक वकील हैं या फिर एक आम काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनके काम में क्रिएटिविटी की कोई ज़रूरत नहीं है और इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करने से उनका काम बिगड़ सकता है। ये बात गलत है। पिछले कई सालों तक आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स, म्यूजिशियंस और पेंटर्स को बच्चों की तरह देखा जाता था, जो कि सारा दिन अपने कमरे में बंद होकर अपने खिलौने के साथ खेलते रहते थे, जबकि जो समाज के जिम्मेदार लोग थे वे बिजनेस देखते थे। यहाँ तक कि स्कूलों में भी उन बच्चों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था जो आर्ट में अच्छे होते थे, सिर्फ उन्हें अहमियत दी जाती थी जो पढ़ने में तेज होते थे। बहुत से लोग हैं जिनसे कहा गया था कि वे अपने सपनों को छोड़कर कुछ और काम करें, लेकिन उन लोगों ने अपने अंदर की आवाज़ सुनी। एग्जाम्पल के लिए महेंद्र सिंह धोनी को ले लीजिए, जिनसे उनके परिवार वालों ने कहा था कि वे रेलवे में नौकरी कर लें। ज़रा सोचिए, अगर उस समय उन्होंने उनकी बात मान ली होती तो आज वे कहाँ होते। लेकिन अब कंपनियों में ये मानसिकता बदल रही है। वे अब अपने कर्मचारियों को पहले से ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, ताकि वे अलग अलग समस्याओं के बेहतर समाधान खोज सकें। दुनिया भर के सीईओ मानते हैं कि उन्हें अपनी कंपनी को और आगे तक ले जाने के लिए इस तरह के कर्मचारियों की जरूरत होगी, जो अच्छे और सस्ते समाधान खोज सकें। लेकिन इससे पहले आप अपने कर्मचारियों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करें, आपको खुद क्रिएटिव होना होगा। तीसरा सबक, क्रिएटिव बनने के लिए सबसे पहले अपने डर का सामना कीजिए। बहुत से लोगों को लगता है कि वे क्रिएटिव नहीं बन सकते और यही उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वे कुछ नया करने जाएंगे तो वे गलती कर देंगे, और इसलिए वे अपने डर को खुद को रोकने देते हैं और वो कभी नहीं करते जो वे करना चाहते हैं। इसलिए अगर आपको क्रिएटिव बनना है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना छोड़ना होगा कि आप क्रिएटिव नहीं बन सकते। आप खुद को जितना काबिल समझते हैं उससे ज़्यादा काबिल हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी क्रिएटिविटी को निखार सकते हैं। इस तरह से सोचकर आप अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं और खुद को और दुनिया को एक अलग नज़र से देखना सीख सकते हैं।
क्रिएटिव बनने के लिए आप एक रोड मैप बनाकर उस पर उन सभी कामों को लिख सकते हैं या फिर उन सभी तरीकों को लिख सकते हैं जिन्हें एक के बाद एक करने से आप क्रिएटिव बनेंगे। इस रोड मैप को कुछ इस तरह से बनाइए जिससे आप इस पर चल सकें। इसके अलावा आप डिजाइन थिंकिंग को अपनाकर भी क्रिएटिव बन सकते हैं। डिजाइन थिंकिंग का मतलब आप अपने आसपास के लोगों की समस्या को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट डिजाइन करके उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप अपने यूजर्स से बात करके उनसे ये पूछ सकते हैं कि उन्हें इस समय आपके सॉफ्टवेयर में क्या समस्या आ रही है। इस तरह से आप उनकी जरूरत और उनकी परेशानी को समझकर नए समाधान निकाल सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को निखार सकते हैं। चौथा सबक, जीत और हार दो अलग रास्ते नहीं है बल्कि एक ही रास्ते के दो पड़ाव हैं। जो लोग कामयाब होते हैं वह नाकाम लोगों के मुकाबले ज्यादा बार नाकाम हुए होते हैं। क्या आपने कभी किसी नाकाम व्यक्ति को 10,000 बार कोशिश करके हारते हुए देखा है? शायद नहीं। लेकिन थॉमस अल्वा एडिशन, जो कि कामयाब लोगों में गिने जाते हैं, बल्ब बनाने से पहले इतनी बार नाकाम हो चुके थे। एक कामयाब व्यक्ति वो नाकाम व्यक्ति होता है जिसने एक बार और कोशिश करने की हिम्मत दिखाई थी। वे दूसरों के मुकाबले ज्यादा तेज नहीं होते लेकिन वो अपने सपने को लेकर दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। इसलिए अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको अपने दिमाग से बात निकालनी होगी कि हार और जीत के रास्ते अलग अलग हैं। अगर हम थॉमस अल्वा एडिशन के शब्दों में कहें तो एक हार तभी एक हार होती है जब आपको उसे सीखने को ना मिला हो। इसके अलावा कामयाब होने के लिए हारना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे आप खुद को बेहतर बना पाते हैं। मान लीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है लेकिन अगर हम आपको अभी गूगल का सीईओ बना दें तो आप शायद उस कंपनी को चला नहीं पाएंगे। जब आप बार बार नाकाम होते हैं तो आपको पता लगता है कि आपने गलती क्या की है। इसकी मदद से आप खुद को और बेहतर बनाते हैं और जब कामयाबी आपके हाथों में आती है तो आप उसे फिसलने से रोक पाते हैं। नाकाम होना दिखाता है आप जिस चीज को पाना चाहते हैं अभी उसके लायक नहीं हुए हैं, और अगर आपको वो चीज मिल भी जाती है तो आप उसे ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रख पाएंगे। इसलिए हारने पर हार मत मानिए बल्कि खुद को सुधार कर फिर से कोशिश कीजिए। पांचवा सबक, क्रिएटिव बनने के लिए आपको बाहर जाकर नए अनुभव लेने होंगे। आइडिया आपके पास नहीं आता बल्कि आप आइडिया के पास जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने कमरे में बैठकर हर रोज वही एक काम करने से आप क्रिएटिव हो जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। ज्यादा क्रिएटिव बनने के लिए आपको ज्यादा अनुभव लेने की जरूरत होगी और उसके लिए आपको बाहर निकलना होगा। एग्जाम्पल के लिए लेखक के दो स्टूडेंट्स ने ये पता लगाने की कोशिश की कि किस तरह से वे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं। बहुत से बच्चे पैदा होने के एक साल के अंदर मर जाते हैं और इसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहा जाता है। इसे कम करने के तरीके जानने के लिए वे उन देशों में गए जहाँ पर यह समस्या सबसे ज्यादा थी। वहां पर जाने के बाद उन्होंने एक बहुत सस्ता स्लीपिंग पाउच बनाया जिसके अंदर एक हीटिंग पैड था। इस पाउच में बच्चों को सुलाकर वे खराब मौसम में रहने वाले बच्चों को बचा पाए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हर समस्या का समाधान खोजने के लिए दूसरे देश में जाएं। आपको अपने आसपास की चीजों को नई नजर से देखने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए आपको खुद से वो सवाल पूछने होंगे जो क्यों से शुरू होते हैं। इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। एक बार आपको उसके होने की वजह पता लग जाए तो आप उसके लिए एक बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपने आसपास देखें कि लोग सोलर बैटरी आने के बाद भी उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है आपको इससे पता लगे कि उन लोगों को अभी सोलर सेल इस्तेमाल करने की आदत नहीं पड़ी है और इसलिए वे उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब आप कुछ उस तरह से अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग कर सकते हैं जिससे लोग अपने प्रोडक्ट को देखें या फिर उनके पास आपका प्रोडक्ट खरीदने के अलावा कोई और रास्ता न बचे ताकि उन्हें सोलर सेल इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाए। एक बार आपको वजह पता लग जाए तो आप उसके समाधान निकाल सकते हैं। छठा सबक, खुद को ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए दूसरे लोगों के साथ काम कीजिए। बहुत से लोगों को लगता है कि जब वे एक कमरे में बंद होकर काम करेंगे तो वे कुछ ज्यादा क्रिएटिव बन पाएंगे, लेकिन पिछले सबक में ही हमने देखा कि किस तरह से नए आइडियाज को खोजने के लिए बाहर निकलना जरूरी होता है। ये सोचना गलत है कि अकेले काम करने वाले लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बल्कि जब आप ग्रुप में काम करते हैं तो आपके पास नए आइडियाज आते हैं।
इसकी एक वजह ये है कि जब हम किसी नए आइडिया पर काम करने की कोशिश करते हैं तो एक वक्त आता है जब हम बीच में आकर रुक जाते हैं और उसके आगे जाने का रास्ता हमें नहीं मिलता। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक किताब लिख रहे हैं तो आपके साथ ये हो सकता है कि आप आधी किताब लिखने के बाद नए आइडियाज ना खोज पाए। अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए, बाहर जाकर दूसरे लोगों से मिलने का वक्त आ गया है। जब आप दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं तो वे लोग आपको तरह तरह के आइडियाज के बारे में बताते रहते हैं, जिससे आप इस समस्या से बेहतर निकल पाते हैं। इसके अलावा दूसरे के साथ काम करने का एक फायदा ये भी है कि आपको पता लगता है कि आपका आइडिया कितना अच्छा है। जब कुछ लोग साथ में काम कर रहे होते हैं तो उनके आइडियाज उनके दिमाग से निकलकर बाहर घूमते हैं और दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं। इससे आप दूसरों को भी क्रिएटिव बना पाते हैं और साथ ही उनके आइडियाज को लेकर खुद भी क्रिएटिव बन पाते हैं। आइडियो एक कंपनी है जहां पर लेखक काम करते हैं। वहां पर उन्होंने हर जगह एक ब्लैक बोर्ड लगा कर रखा है जिस पर कंपनी का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव लिख सकता है या फिर अपने आइडियाज को बांट सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका अपना काम पूरा करने के लिए किसी की जरूरत है तो आप मदद मांगने से पीछे मत हटिए। सातवां सबक, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए तो उसके होने का इंतजार मत कीजिए। बहुत बार हमारे साथ होता है कि हमें पता होता है कि हमें एक काम कर देना चाहिए, लेकिन हम उसे कल के लिए टालते रहते हैं या फिर ये सोचते हैं कि कोई और व्यक्ति उसे कर देगा। बहुत बार हमें पता होता है कि उस काम को अंत में जाकर हमें ही करना होगा, लेकिन फिर भी हम उसे टालते रहते हैं। कभी कभी हम डर की वजह से उस काम को नहीं करते। वजह चाहे जो भी हो, इसका नतीजा कभी अच्छा नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए ब्लॉकबस्टर्स को ही ले लीजिए, जो कि नेटफ्लिक्स से पहले फिल्मों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा था। ब्लॉकबस्टर्स ये देख रहा था कि जमाना अब इंटरनेट की तरफ जा रहा है, लेकिन वे अब भी दुकान बनाकर उसमें फिल्मों की सीडी बेच रहे थे, जबकि नेटफ्लिक्स ने सब कुछ ऑनलाइन करके सारे ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया। इसलिए ये मत सोचिए कि हालात अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, बल्कि उसे बदलने के लिए जरूरी कदम उठाइए। भले ही आपसे गलती हो जाए और आपको कुछ नुकसान हो जाए, आपको कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस तरह से आपको ये अफसोस नहीं होगा कि काश आपने कुछ कर दिया होता। साथ ही अगर आप कुछ गलती कर बैठते हैं तो उससे आपको और ज्यादा अनुभव मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, एक दिन लेखक का एक साथी कीव अपनी माँ की शिकायत कर रहा था कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है और बस पर चढ़ने के बाद उन्हें पता नहीं लगता कि कहाँ पर उतरना है। वो हमेशा गलत स्टॉप पर उतर जाती हैं और फिर ठंड में खड़ी रहती हैं। लेखक ने इसका समाधान निकाला। उन्होंने ट्रांसिट अथॉरिटी की वेबसाइट में कुछ बदलाव किए, जिससे लोगों को पता लग सके कि वे इस समय कौन से स्टॉप पर हैं और उनका स्टॉप कितनी दूर है। ये काम करने में उन्हें सिर्फ एक दिन का समय लगा, लेकिन ये कभी नहीं हुआ होता अगर वे किसी और का इंतजार कर रहे होते तो। आठवां सबक, खुद को खुश रखने के लिए उस काम को खोजिए जिसमें आपको अच्छे पैसे भी मिलते हो और जो आपको अच्छा भी लगता हो। इस किताब के लेखक टॉम केली आईडियो में काम करने से पहले जिस कंपनी के लिए काम करते थे, उन्होंने उसे छोड़कर अपने भाई डेविड के साथ आईडियो में काम करने के बारे में सोचा। अपनी कंपनी छोड़ने के कुछ समय बाद उन्हें कंपनी से फोन आया कि अगर वे वापस लौट आए तो उन्हें ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। अब उनके पास दो रास्ते थे, एक जहां पर उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे थे और एक जहां पर वे अपना मनपसंद काम कर सकते थे। अगर आप उनकी जगह पर होते तो क्या करते? बहुत से लोगों को दोनों ही चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन ये कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर जिस काम में पैसे ज्यादा होते हैं उस काम में काम भी ज्यादा होता है। क्या हो अगर काम की वजह से आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका ही ना मिले? आप उन पैसों को कमाकर करेंगे भी क्या अगर आपको उसे सुकून से खर्च करने का मौका ना मिले तो? दूसरी तरफ अगर आप उस काम को चुनते हैं जो आपको पसंद है लेकिन उसमें पैसे कम है, तो आप अपने बिल भरने के पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? आप अपने परिवार का ख्याल कैसे रखेंगे और अपने भविष्य की प्लानिंग कैसे करेंगे? इसलिए जरूरी है कि आप पैसा और पैशन में से सिर्फ एक के पीछे न भागें, बल्कि दोनों में बैलेंस खोजने की कोशिश करें। लेखक ने भी इस समस्या का हल इसी तरह से निकाला। ऐसा काम खोजने में आपको शायद कुछ समय लग जाए, लेकिन आपको अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे रास्ते खोजने होंगे जिससे आप पैसे और पैशन में बैलेंस खोज सकें। नौवां सबक, खुद को खुश रखने के लिए अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए कीजिए। ताकत तो हम सभी के पास होती है,
लेकिन हम उसका इस्तेमाल किस तरह से और किस हद तक करते हैं ये तय करता है कि हम अपनी जिंदगी में कहाँ पर जाएंगे। इसलिए अपनी क्रिएटिविटी की ताकत का इस्तेमाल अच्छे से कीजिए। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल अच्छे से करके आप अपने बॉस को खुश कर सकते हैं। इससे आप अपने साथ साथ अपनी कंपनी को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। साथ ही जब आप इसमें कामयाब होने लगेंगे तो आप खुद को ज्यादा खुश पाएंगे। अपनी क्रिएटिविटी को खोजकर और उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करके आप अपने करियर को कामयाब बना सकते हैं। ये लगभग हर किसी पर लागू होता है। आप जो भी काम करते हो उसमें क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आप खुद की जिंदगी में भी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके आप खुश रह सकते हैं। हर दिन उसी एक काम को करना या फिर एक ही लोगों के साथ रहना कुछ उबाऊ हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने आसपास की दुनिया से अलग नजर से देखने की कोशिश करेंगे तो आप कभी नहीं उबेंगे। इसके लिए आप खुद से क्यों से शुरू होने वाले सवाल पूछ सकते हैं। हर दिन को एक मजेदार सफर की तरह देखने की कोशिश कीजिए। आप जब भी सुबह उठते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपके साथ आज क्या होने वाला है। ये सोचकर खुश हो जाइए कि शायद आपको आज कुछ नया मिलेगा। इस तरह से आप अपने नजरियों को बदल सकते हैं और खुद को आगे ले जाकर कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कुल मिलाकर क्रिएटिविटी का इस्तेमाल हर कोई अपने काम में कर सकता है। कोई भी व्यक्ति दुनिया को अलग नजर से देखने की कोशिश करके और कुछ जरूरी कदम उठाकर अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर ला सकता है। खुद को क्रिएटिव बनाने के लिए दूसरे लोगों के साथ काम कीजिए। साथ ही समय समय पर खुद बाहर जाकर नई जगहों पर घूमने और नए लोगों से मिलने का मौका भी दीजिए। क्या करें? अपने बच्चों को क्रिएटिविटी का तोहफा दीजिए। अगर आपके बच्चे कुछ नया और बेहतर नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको उन्हें कुछ अलग तरह से सीखने का मौका देना होगा। उन्हें वो करने दीजिए जो कि स्कूल में करने से मना किया जाता हो, ताकि वे कुछ गलतियां कर सकें और फिर उन गलतियों से सीख सकें। उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करने दीजिए ताकि वो खुद के समाधान खोज सकें।